आज पूरा देश अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। आज के ऐतिहासिक दिन चंद्रयान 3 मिशन ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया था। उसी की याद में पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर भारत मंडपम में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी का दौरा किया। साथ ही इसरो के रोबोटिक चैलेंज और भारतीय अंतरिक्ष हैकथॉम के विजेताओं को पुरस्कार दिए। उनके साथ केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ भी मौजूद रहे। भारत के स्पेस सेक्टर की प्रगति असाधारण है। चाहे वो कम संसाधनों में सफलतापूर्वक पूरा किया गया मंगल मिशन हो या एक बार में 100 से अधिक सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण हो, हमने अनेक प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल की है। निजी क्षेत्रों के लिए स्पेस सेक्टर के खुलने से स्टार्टअप्स की संख्या में बहुत तेज गति भी वृद्धि हुई है। इससे न केवल अंतरिक्ष अनुसंधान के उन्नति हुई है, बल्कि हमारी युवा शक्ति को अपने प्रतिभा दिखाने और उसे तराशने के नए अवसर भी मिले हैं। कुछ महीने पहले ही भारत की एक कंपनी ने सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन संचालित रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किए हैं, जो कि इस तरह की पहली उपलब्धि है।